अस्सलाम वालेकुम, मैं एक नए वीडियो में आपका वेलकम। हम अपने गांव से निकले थे, रानीपुर की तरफ जा रहे थे। ये हमारे साथ हमारा दोस्त भी था और अपने साथ अल्लाह वरायो और हमारे चाची की गाड़ी थी, उसी के साथ में हम बैठे हुए थे। मेरा भाई और छोटेदार भाई भी थे, छोटे और छोटी छोटेदार बहन भी थी। उन्हीं के साथ हम रानीपुर शहर पहुँचे अपने गाँव से। अपने गाँव से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर दूर बस के अड्डे भी पहुँच चुके थे हम। ये सामने जो टूटी फूटी सी छत नज़र आ रही है, ये बस का अड्डा है। फिर हम इस बस में एंटर हो चुके थे। हमारे सीट नंबर था 29-30 नंबर, दो सीटें दी थी हमने और एसी भी इसकी यक थी क्योंकि एक साइड टूटा हुआ था एसी का। रानीपुर से लेके कराची तक, यानी कराची से ले और रानीपुर का फासला इतना तकरीबन 400-425 किलोमीटर दूर इतना फासला है। तो हमने इसके किराया दिया था 3 सीट का 1500 रुपये। ये हमारे साथ हमारे हाथ में मुर्गी का बच्चा भी था क्योंकि कराची ले जा रहे थे। उसके बाद फिर एक शहर आ गया मोरेसा, जिससे हम तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर चले गए थे। फिर हम मोरेसा में पहुँचे, यहाँ पे बस से 15 मिनट वेट किया था, समोसे और पकौड़े खाए थे। मेरे साथ छोटे बच्चे भी थे तो उनको भूख भी लगी थी, हमें भी लगी थी। फिर हम वहाँ खड़े हो चुके थे कि यहाँ बस खड़ी हुई थी उस जगह पर। मुझे प्यारा था वेलकम खुशामदीद लिखा हुआ था, मैंने उसकी वीडियो गम कर ली है क्योंकि यहाँ पे एक कब्रिस्तान था, मज़ारें बनी हुई थी। तो हमने इसको मज़ारों को सलाम भी किया था और मुझे भी क्या दिखी नज़र आ रही थी नहीं, क्योंकि हम बंदर बस्ते में देखे हुए थे। फिर शहर से निकल के हम बढ़ते ही जा रहे थे आगे, तो बादल नज़र आ गए। तो मैंने उनकी बादलों की वीडियो बनाना शुरू कर दी क्योंकि प्यारा सा मौसम भी था और इतनी गर्मी भी नहीं थी। कई जगहों पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी तो और कई जगहों पे नहीं भी हो रही थी। क्योंकि हमारे गांव तो इतने छोटे छोटे पहाड़ तो है नहीं, क्योंकि हम इससे अपने गांव से तकरीबन 150 या 200 किलोमीटर दूर आ चुके थे। हैदराबाद के करीब ही थे, हैदराबाद हमसे दूर था पर हम के करीब ही पहुँच चुके थे। फिर इसके बाद हमने पहाड़ नज़र आ गए, क्योंकि कराची तो कई मतलब आया हूँ तो रात को ही आता था। तो फिर दरियाए सिंध मुझे थोड़ी सी नहर नज़र आ गई हमें, क्योंकि थोड़े बहुत पहाड़ भी थे और नहर भी बह रही थी। शायद वीडियो में इतना साफ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रियल में तो माशाल्लाह क्या ही बात है। पिछले वीडियो जो मैंने बनाए थे वो दूसरी मोबाइल थी, आईटेल विजन 2 से, और ये मैंने दूसरा नया मोबाइल ले चुका हूँ। इसको तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं। इससे जो पहले जो एपिसोड सेंड किए थे, अपलोड किए थे, वो इसी मोबाइल के बने हुए हैं। मुझे ये लगता था कि ये जगह सिम था, तो मैंने कहा कि ये जगह सिम से ही निकलती है किनार है जो आगे दो गांव की तरफ यहाँ या रोडर पर बढ़ती जाती है। उसी के साथ पहाड़ नज़र आ रहे थे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त फील था। अगर हुकूमत चाहे तो इन चीज़ों को डेवलपमेंट करे, उनकी सफाई करे और यहाँ पे होटल्स वगैरह बनाए, गैस वगैरह, तो फिर तो दूसरे मुल्कों से जो घूमने आते हैं यहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं। सारे किसान
लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले, टूटे फूटे मजदूरों जैसे घर, और यहाँ चारपाई भी रखी हुई थी, दुकानें भी थोड़ी बहुत बनी हुई थी। इस तरह पर हम बढ़ते जा रहे थे क्योंकि बस में तो बॉलीवुड की मूवी चल रही थी, तो देखते भी जा रहे थे। ये नहीं आपका जो खान पैसेंजर, मेरा यूट्यूब चैनल इस तरह बनाओ, ये हमारे जो दादा भाई हैं और मेरे साथ मिराज अली भी, मेरा भाई छोटा। अभी पहुँचे थे हम क्योंकि रास्ते में एक मस्जिद नज़र आ गई, यहाँ पे पानी भी पिया था और वेट भी किया क्योंकि हैदराबाद के करीब ही हम पहुँच चुके थे। हम जिसमें बस में सवार हुए थे, बस तो इतनी पहले तेज नहीं थी, बस सफर के लाइट थी। इसी तरह हम बढ़ते जा रहे थे आप लोगों के गाँव से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो लाजमी लिखें। पूरी वीडियो देखोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। इसके बाद फिर हमें पुल नज़र आई थी, यहाँ पे छोटी सी नहर थी, पानी तो खड़ा हुआ था, चल नहीं रहा था, शायद बारिशों में यहाँ जैसे सैलाब वगैरह आता होगा तो फिर तो ये पानी बढ़ता जाता होगा। इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे थे, फिर हम पहुंचे दूसरे एक होटल पे वेट करने के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे खाना भी खाना था। तकरीबन 3 बज रहे थे, खाना भी खाना था, चाय पीनी थी। बस खड़ी होने के बाद फिर हम बस से उतर गए। ये जगह खड़ी थी, ये थी हमारी प्यारी बस जिसमें हम सवार हुए थे। ये होटल था बीच में, ये मैं खड़ा हुआ था तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के अपनी स्नैक पे बनाई है। इतना तो ये होटल था जिसमें हमने खाना खाया, चाय पी। इस टाइम तकरीबन 2 से 2.5 बज रहे थे, मार्केट करी थी हमने। उसके बाद फिर हम निकले, सफ़र अपना जारी किया। शोरो फिर हम पहुँचे ज्ञान शोरो, हैदराबाद के आसपास ना करीब। क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर उतारने भी थे बस वालों को और कुछ लोग सवार हो भी रहे थे गाड़ी में। ये जाम शोरों शहर है। फिर हम निकल पड़े जाम शोरों की आगे की तरफ क्योंकि ये वो जगह थी, म्यूज़ियम था यहाँ पे जाम शोरों का। यहाँ पे भी बस खड़ी हुई थी, वो तो जो पिछले इसमें हम तकरीबन 2019 या 20 से फिर यहाँ पर नहीं आए थे हम म्यूजियम के अंदर। शोरों का प्यारा सा म्यूजियम, पूरी अंदर बिल्डिंग बनी हुई थी छोटी बहुत, जिसमें अंदर में से सकाफती हैदराबाद के कराची से। उसके बाद फिर हम सीधा उलाजल का नाम लेकर फिर बढ़ते जा रहे थे हम। क्योंकि अभी हम हैदराबाद को छोड़ के अलविदा करके फिर हम कराची की तरफ रवाना हो चुके थे।
हमारे चैनल को, मेरे चैनल को इरफान पैसेंजर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी लिखें, क्योंकि हम पहुँच चुके थे बीएच लकी। फिर हमारे पास सामने आया टूल प्लाजा, कराची का टूल प्लाजा, जिसमें हम कराची में अंदर एंटर होते हैं। तो ये पहला टूल प्लाजा था, बड़ा प्यारा सा ज़बरदस्त बनाया हुआ था। मैं आपको बताया ना पहले, क्योंकि जब भी निकलते थे हम नाइट को ही जाते थे अपने गांव से, और नाइट को ही जाते थे अपने गांव। तो इस दफ़ा मैंने प्रोग्राम बनाया दिन को, मैंने कहा दिन को जाएंगे, आप लोगों को भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो लाजमी लिखें, और वीडियो भी पूरा वॉच करके देखेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।